अस्सलाम वालेकुम आंटी मैम, कैसे हैं आप सब? जान कैसे क्या आप ये कम है जाने में भी सुन लेना वापस करें ठीक है। आज कल भी सब्सक्राइब करें लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें। और यहाँ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? दुआ करते कि आप सब ठीक होंगे, जान होंगे, खुश होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक है। तो आज के लोग इसे स्टार्ट करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम शेयर करें। और यहाँ पर देखिए कल हम गए थे, न्यू शूज़ भी ले लिए हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे आप सब? दुआ करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के लोग हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने और हमने सेम ही जो शूज़ खरीदे हैं। और माशाल्लाह ये देखें हमारे हमसाए जो है ना पंजाबी हैं, तो उनका थूम तो देखें कितना सारा है, ये देखें कितने खिले। और साइड में वो देखें वो प्याज हैं, क्या है वो प्याज का मूली देखें कितनी बड़ी बड़ी उनकी होगी है, उन्होंने पहले लगाया, मूली भी उनकी बड़ी होगी। इस साइड पे भी दो भाई तीन भाई हैं मेरे ख्याल से, देखें अलग अलग से ना सब ने अपने बिजाई की है थूम की, देखें और इतनी ज़्यादा थूम इन्होंने बीजा है। और हम कह रहे थे हमने ज़्यादा बीजा है, और ये खेले पे भी बीजा है, ये देखें जैसे मैं आपसे कह रही थी गरबा हो रहा है, ये देखें खेले पे भी इन्होंने थूम बीजा है। और पता नहीं अभी आगे भी कुछ बीजाई हो गया होगा इनका, पता नहीं क्या। आ जाओ चल, सुबह सुबह हम लोग पहुंच चुके हैं गांव बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। तो आज अंकल को भी लेके आए क्योंकि कल जो है ना मेरा बेटा है, तो उसके साथ जो है ना मेरे कज़न भी आए हैं। मेरे कज़न जो है ना उमर को लेके गए थे वहाँ पर, जहाँ पर वो खुद खेती बाड़ी करें, उनका बेटा है और फैमिली के साथ वहाँ भी रहते हैं। तो वो लेके गए थे कि भाई वहाँ पे जो ना ये चलो, और नहीं तो कुछ घर के लिए गंदम ही ले आएगा। इस बार हम लोग गंदम की काश्त भी नहीं कर रहे, मैं दूंगी। तो बिस्मिल्लाह, पहले मुझे बताया करो, बाद में जंप लगाया करो। तो उनके पास भी जाना है कल, उनको जितना भी हमने चाय का कहा उन्होंने नहीं, उमर जो ना मुझे छोड़ दे, मैं चाय नहीं पीऊँगा, मुझे बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, तो जाना है घर जल्दी। तो ये देखिए हमारा मेथरा माशाल्लाह कितना प्यारा और खूबसूरत निकला है। और ये देखिए माशाल्लाह प्याज की पनीरी। अच्छा ये तो जल्दी जल्दी निकला है माशाल्लाह, इसका नया एक फार्मूला निकाला है ना, हाँ। इसलिए वो जल्दी देखो कैसे गुच्छा है, गुच्छे गुच्छे। एक और प्याज निकला हुआ है फरूक, चार चार पांच पांच छह छह टेनी निकाली, वो आगे निकला हुआ है देखो उसे कब निकला है वो। ये देखे मैंने वो प्याज निकाल के ना वो जो उधर पड़ा था, ये जो है ना जानवर ने आगे हरकत, ये लगा हुआ निकला हुआ है वो वाला प्याज जो उधर पड़ा था ना लहसुन में उठा के लगाया, वो देखे वो निकला है। तो ये रात को जो इन कमांड में ना काफी ज्यादा जानवर हैं जो डरावने भी हैं और खतरनाक भी हैं। ये पंजे लगे हैं, ये से आई थी। अच्छा, या ये गिद्ध ने कोई जानवर घूम रहा है, वही आते हैं इसको ऐसे। और इसके अंदर कौन चला है? कल आप आए थे बच्चों के साथ, वो खुद खुदाई की है। हाँ ये देखें भाई जो भी जानवर है ना रात को इसने खुदाई की है। अगर हमने आलू बीजे ना, मैं कह रही हूँ आलू बीजे तो ये निकाल के खा जाएंगे, हाँ ये खा जाएंगे इस तरह। जैसे मक्की लगाए ना अंकल, तो जब वो सीटे उसके बनना स्टार्ट होते हैं ना, वो मक्की पूरी पौधे ही तोड़ के ना वो मट्टी के भी मक्की के जो है ना बीज वो खा जाते हैं, क्योंकि वो मीठी होती है, मीठी होती है। हाँ ये आपकी बात सही है, आलू नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जो भी चीज होती है ना वो नीचे से खुदाई करके निकाल के खा जाते हैं। इधर सारा जो है कमान है ना, गन्ना लगा हुआ है तो उनको जगह मिल जाएगी। हाँ गन्ने में वो छुपे हुए है ना, छुपे हुए रात को निकलते हैं। हाँ ये देखें कभी सुबह सुबह बिस्मिल्ला बिस्मिल, क्योंकि वो शबनम है तो इसलिए पाँव फिसल रहे हैं। तो माशाल्लाह ये देखें ये थूम भी निकल रहा हल्का हल्का, ये प्याज यहाँ पे आ गया ये भी निकला है। और ये देखें पता नहीं ये मूंगरियाँ या मूली है, मेरे हस्बैंड ने लगा तो दिया लेकिन कितनी प्यारी लग रही है सब्जी। ये देखें धनिया, यहाँ पर भी धनिया, यहाँ पर भी धनिया, इतनी सारा धनिया। तो मैं कह रही हूँ वैसे जो उनका थूम देखा ना खेले वाला, मैं भी आपसे कह रही थी कि खेले वाला हम लोग थूम बिजाई करते हैं। तो आप ऐसा करें मेरी बात सुने, वो जो हमने आलू के लिए जगह छोड़ी है इस बार आलू नहीं लगाते, क्योंकि वो कमान चारों तरफ है, यहाँ पे रहता कोई तो गिदड़ खा जाएंगे। वो खेले बनाए आप, खेले में जो हम लोग थूम लगा देते हैं। हाँ लेकिन यहाँ पर लहसुन 3-4 के जी आएगा अपने पास, 1 के जी तो और ले आएंगे क्या है, फिर वो बाद में सेल भी कर सकते हैं ना, 250-300। हाँ मौसम है उसकी, अभी स्टार्ट है मौसम, किसी ने लगाया तो किसी ने अभी तक नहीं लगाया। तो धनिया देखें कितने गुच्छे जो ना प्यारे प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें
मेहनत करें तो फल जो है ना जरूर मिलता है आपको, लेकिन ये है कि जमीन आपकी अपनी और रेंट पे ना हो। जैसे कि हमारे पास जमीन भी रेंट की है और इतना खर्चा भी होता है। एक हफ्ते बाद तो इस साइड पे भी मेथरा है, तो ये देखे और माशाल्लाह यहाँ से अब जो है ना जा रहे हैं आगे। तो ये मेथरा भी अच्छा हो गया और ये प्याज की पनीरी भी, तो अल्लाह करे हमारा जो है ना रेट वो सही निकल आए, जो हम मांग रहे हैं ना वही हमें मिल जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे कज़न ने यहाँ पर अपने है ना घास की भी बिजाई कर दी है, अब पता नहीं किस चीज़ का इन्होंने घास डाला है, लेकिन बीज डाला है, लेकिन बिजाई हो गई इनके घास की। तो माशाल्लाह आप पहुँचे इस वाली ज़मीन पर और ये वाली जो है ना प्लेटें ख़राब हो गई हैं, पता नहीं क्या मसला हुआ है, तो वो चली गई हैं घर। और इसमें से ये देखें बच्चों ने जो है ना रेत निकाली भी थी वो बाहर निकली हुई है, लेकिन ये फिर भी अंदर आ गई क्योंकि नीचे मट्टी और मट्टी के अंदर रेत है। और माशाल्लाह ये पालक अच्छी हो गई है, धनिया भी। हाँ चलो माशाल्लाह कचरा भी निकाल दिया इसमें से ना घास, लेकिन पालक को ऊपर से ना कोई चीज़ काट रही है, कोई मक्खी वगैरह स्प्रे होनी है घास की वजह से ना, इसको फिर वो कीड़ा लग जाता है। वो वाला घास आपने अभी तक नहीं निकाला? बस आज निकल निकाले। ये थूम है देखो। हाँ ये थूम है, लेकिन ये बारीक है हमारा, उनका देखा है मोटा मोटा बड़ा बड़ा है, क्योंकि उनकी फलियां मोटी मोटी, बीज उनका घर का है, हमारा बीज जो है ना बाहर का है। और ये उस दिन जो हमने बीज लाया था ना प्याज का, कितने का मिला था? ये 5000 का। ये एक क्यारी बनी है इसकी, छोटी सी बनी है 5000 की। ये महंगा है ना, बहुत महंगा बीज है। तो बस देखते हैं अभी। और ये देखें कहीं कहीं धनिया है तो कहीं कहीं निकला ही नहीं है, तो कहीं जहाँ पे मोटी फली होगी तो वहाँ पे मोटा बीज बनेगा, यहाँ पे पतली फली होगी तो पतला बीज बनेगा। और ये प्याज की पनीरी ये भी ठीक हो गया माशाल्लाह, पहले जो लगाई थी ना। हाँ ये है। इसमें भी तो कचरा है, वो भी नहीं निकाला आपने अभी, इसकी जड़ कमजोर है। अच्छा, जैसे घास निकालते ना तो वो हाँ जड़ पनीरी निकल आती है। हाँ, पनीरी साथ में आ जाए तो मुझे लगता है इसको आज पानी की है जरूरत। आज पानी, आज या कल लगाएंगे, ये इधर लगाएंगे ना। और ये जो ना हमारे हमसाए हैं तो उन्होंने ली है, वो बीज अपना लेके आए हैं, उन्होंने कहा कि हमें ना सिर्फ प्याज की पनीरी के लिए ना कुछ दिनों के लिए अपनी ये जगह दे दे, क्योंकि हमारी खाली पड़ी थी तो हमने उनको दे दिए। तो उन्होंने भी अपना बीज जो है ना ये देखें लगा दिया है माशाल्लाह। हर बंदा अपनी मेहनत, हाँ अपनी मेहनत कर रहा है। तो ये मेथरा जो है ना ये देखें, ये मेथरा इसको खाद भी लगाई है, लेकिन इसमें घास देखें बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, मेथरे में बहुत ज़्यादा घास है ना। बस जैसे कट करेंगे ना, हाँ बीच में से घास निकालेंगे और मेथरा रेडी। चलो ये घर के ही काम आएगा, ये सेल नहीं होगा, जैसे आलू और मेथरा बन गया, साग भी आ जाएंगे कुछ दिन, काम तो आएगा ना। हाँ हाँ घर के लिए काम आएगा। तो अभी जो ना जा रहे हैं सारियां देखने, चावल देखने। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं क्योंकि रेट जो ना मजदूरी का 4 मन जो ना सारी ले रहे हैं, जैसे 4 मन जो है ना मजदूरी है एकड़ की, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके ना हम खुद ही छटकते हैं, तो आज देखते हैं कि हमसे होता है कि नहीं। 30,000 हाँ 30,000 मजदूरी बनेगी इसकी, तो ये कह रहे हैं हम, हमारी तो बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। फरूक ने को हाथ लाऊं, ये सारी नीचे गिर गई इस साइड से, वहां से भी गिर रही हैं यार सुबह। तो फिर देख ले नीचे पानी भी है, यहाँ पर साइड पर है, उधर पानी खत्म हो गया, अब उधर से शुरू करेंगे ऐसे घूम जाएंगे। चले वो अभी वो अंकल भी भाई जबार भी कह रहे थे कि हम भी चलो आपके साथ आ जाएंगे, मवेशियों का घास भी बन जाएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, ठीक। तो एक दो घर अभी चलते हैं, मामू के घर, उनसे भी कहते हैं कि आप आ जाएं। जी जी जी, सबको बुलाते ना। जी हाँ, तो एक साथ हो जाएगा जी। माशाल्लाह चावल तैयार है जी, अभी इसकी कटाई शुरू कर ले, बस कटाई जो ना कल से इंशाल्लाह होगी। चलो दुआ, जमीन भी तैयार होगी ना इसकी। हाँ जमीन भी तैयार होगी, प्याज लगा, प्याज और मिर्च लगाएंगे, अल्लाह ताला कामयाब करे। आमीन। बहुत कर रहे, बस इसमें मेहनत बहुत बहुत मेहनत है, इस जिम्मेदारी में बड़ी मेहनत है, मेहनत है, फल मिले। हाँ मेहनत है, फल जी। लो दो बस, ही कंडीशन है जी, वो कटाई शुरू कर रहे हैं, आसरा ना कर रहा। और अभी चल रहे हैं दूसरी ज़मीन पर जो फार्म वाली साइड पर है, वहाँ चलते हैं और वहाँ वाला कमा देखते हैं, अंकल को घुमाते हैं। तो अभी आए मामू के घर,
उनका जो गेट है ना ये ऐसे खोलना लकड़ी का गेट। तो ये देखें जी आ गई है चाय, तेरी शक्ल का नहीं यही होना, ये मारी 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 होना ही है, ये मैं कह रहा अखी नहीं डर रही मैं। तो ये आ गई गर्म, और यहाँ पर आ गई है गर्मा गर्म फ्रेश दूध की चाय। तो भी अभी जा रहे हैं हम, और ये देखें दोनों कैसे खेल रही हैं, जूते जो है उन्होंने अपने अपने चेंज कर रही हैं। और ये देखें एक ने छोटा जूता पहना, एक ने बड़ा। जल्दी हम ना जल्दी ना ना पुत्र ना खुद रेडी जल्दी कर दिया। तो आज मेरा भैया लेके आया मिठाई लेके आया, और ये दो मिठाई दिए वो दे दिए, अंदर बैठे हुए वो देखो बहुत वो और भाई यहाँ पर देखें यूके से जो ना सिस्टर फिरोज़ा ने हमारे लिए गिफ्ट भेजे हैं, और ये आए हैं हमें रसीफ हुए हैं दो बोरे। तो इनको खोलते हैं, पता नहीं इनमें क्या है। तो आज मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आज जो है ना सरप्राइज़ है एक और। तो माशाल्लाह यहाँ पर वकार ने आज दिया हमें सरप्राइज़, तो बस अभी हाँ अभी देने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड को सरप्राइज़। हाँ नहीं नहीं ये बाहर जाने की तैयारी है इसकी। बाय 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 बाय। उमर करने लगा है सफाई, क्योंकि माल के जब से उमर गया है ना, तो बस मेरे हस्बैंड गांव में होते हैं ज़्यादा बिजी, तो बस थोड़ा थोड़ा तो कचरा निकाल लेते हैं। लेकिन उमर ने आज जो है ना नीचे से ना खुदाई कर कर करके ये ढेर लगाया, और यहाँ से ये उठा उठा के बाहर फेंक रहा है। तो बस ये भी इसको तंग कर रहे हैं, तो बस चलते हैं आगे। बच्चे गए हुए हैं गाँव, तो ये जो दो बोरे हमारे हैं ये भी मेरे ख्याल से शाम को ही खोलेंगे। तो बस अभी जल्दी जल्दी जो ना बच्चों के आने का वेट करते हैं। तो मैंने सोचा इन बोरों को उठा के ना अंदर ही रख देती हूँ कमरे में, तो बाद में इनको खोलेंगे। आज तो एक दो दिन तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो लगता है ये सरप्राइज़ देकर वापस आ गए। सुना है तो कैसा लगा उनको सरप्राइज़? ओ, ओ, क्या हो गया? हाथ 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 उसके। आपका ससुर खुश हुए? जी उनको सरप्राइज देना दिया। हाँ। और मुझे थोड़ा सा डाउट था कि दुआ ईमान जो ना थोड़ा सा वो कर देंगे। अच्छा आना फोड़ देंगे तो फिर साथ दिल की ना क्या हुआ? अच्छा आओ अंदर अंदर आओ। मुझे तो ये फूल दो ना, ये पत्ते, ये क्या क्या लेकर आई हो वहाँ से? तो माशाल्लाह यहाँ पर देखें फातिमा बनाकर लाई है गर्मा गर्म चाय और दूध पत्ती चाय, थैंक यू। और यहाँ पर आप बताएं चाय कैसी है? चाय तो अच्छी है हमेशा की तरह, लेकिन काफ़ी दिनों बाद पी रहा था, काफ़ी मिस कर रहा था चाय। अच्छा चलो माशाल्लाह, वैसे चाय पी भी नहीं थी। अच्छा तो आप जो ना फातिमा ने गलत जो ना चाय की दिक्कत दी। और कितनी अच्छी चाय बनी है? चाय बहुत अच्छी बनाई है। चलो माशाल्लाह, चलें चाय एंजॉय करते हैं। और माशाल्लाह वाकई चाय जो ना बहुत अच्छी बनी हुई है। तो चलें, तो यहाँ पर अंकल और फारूक जा रहे हैं, फारूक के कोई दोस्त आए हैं, 8-9 बंदे हैं जिनके लिए चाय का तलाजा और ये जा रहे हैं कप वगैरह। तो अंकल को साथ लेके बाइक पे जा रहे हैं, बाकी जो है ना बाकी हम तैयारी करते हैं। मैंने जल्दी जल्दी चाय भी बना ली, मकरूना भी बना लिया बस जल्दी से। तो जो है ना अभी जाना भी है खानपुर शहर बच्चों के साथ, तो बस अभी जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। और बच्चों को जो ना एक दिल करता है कि नहला दूँ, एक करता है कि नहीं नहलाऊँ आज। तो यहाँ से हम लोग घर से निकलते निकलते देखें काफ़ी टाइम हो गया, रात भी हो गया। जितना बनो बच्चों से कहा है कि आप रुक जाएं आज नहीं चलते, लेकिन नहीं, बच्चे भी तैयार हुए हुए थे, नहीं उन्होंने कहा नहीं हमने आज चलना ही चलना है। और यहाँ पर दुआ से मैं कह रही हूँ आज आके क्या करूँगी, कहती है मैं पार्क चल के खेलूँगी और क्या करूँगी। मैंने कहा वापस चलें, कहती है नहीं जाना मुझे वापस। तो भाई यहाँ पर बच्चों की जो है ना खुशी के लिए जितना भी करें वो उतना कम है। और मुझे तो कभी कभी मौका मिलता है, चलो भाई वो भी तब से जब से ऐशा ने गाड़ी लिया तब से जो ना आती है, मैं ले जाती है बच्चों को घुमा फिरा खिला के फिर छोड़ देती है वापस। तो ये भी एक अच्छी बात है, और अल्लाह पाक करे इसके रिस्क में इसके कारोबार में मज़ीद तरक्की हो, बरकत हो, अल्लाह पाक इसकी भी परेशानियां दूर करे और जो भी मसले मसाले हैं सबकी ज़िंदगी में वो भी आसान करे। और बहन भाई जब ऐसे बाहर निकलते हैं बच्चों के साथ तो बहुत अच्छा लगता है,
और फातिमा और उमर जो है ना आ रहे हैं पीछे से कि आप लोग चलें हम लोग आ रहे हैं। तो अब देखते हैं वो कब आते हैं। मैंने तो कहा साथ चलें, कहा कि नहीं आप चलें हम लोग पहुंचते हैं। तो बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे कि पहले हमें जाना है पार्क, उसके बाद जाना है कहीं खाने के। तो आते आते हुए कि हमारा जो है ना प्लान बनना है कि चलो भी पहले चलते हैं पार्क, और यहाँ पर देखें माशाल्लाह चाँद भी नज़र आ गया। और अल्लाह पाक करे हम बहन भाई ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहें और ऐसे ही हंसते हुए और मुस्कुराते हुए रहें, और आप सब भी अल्लाह करे कि ऐसे हंसते और मुस्कुराते हुए रहें इस नेक माह के सदके। और यहाँ पर देखें रश देखें अभी तक भी नहीं है, और बच्चों की ज़िद है कि भाई पहले पार्क चल के ना हमने झूले अच्छे से इंजॉय करें। मैंने कहा इतनी रात हो गई है अब क्या इंजॉय करेंगे, कहते हैं पार्क में तो लाइट है, और ये वाली जो है ना चीज़ें बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंजॉय करते हैं, बस हम हैं बड़े और इनकी खुशी से ही हमारी खुशियाँ बस बैठ के देखते रहते हैं कि बच्चे कैसे किस तरह जो है ना अपनी खुशी इंजॉय कर रहे हैं। और अली जो है ना नहीं आया क्योंकि अली गया हुआ था ट्यूशन। मैंने ऐशा से कहा भी था कि अली को साथ लेके आना, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो जो है ना गया हुआ है ट्यूशन, तो वो कुछ लेट आता है खाने पर, फिर उसको साथ लेके चलेंगे। तो आजकल जो है ना अगली बार भी और इस बार भी जो है दुआ बैठती है पीछे बीच वाली छोटी सी उस कहती है कि ये मेरी सीट है, तो बॉक्स के ऊपर बैठ जाती है और ईमान जो है ना मेरी गोदी में। और ईमान जो है ना कल से जो है ना ईमान की तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं है और दुआ की भी बेहतर नहीं है, तो अल्लाह पाक इनके जो है ना जल्दी से जल्दी ठीक भी कर दे। और अभी भी इसकी छाती में ना ईमान की छाती में खर खर की आवाज़ आ रही है। भाई अभी पहुँचे हैं हम लोग पार्क, तो गेट खुल चुके और लगता है आज है भी कोई नहीं। ये क्या आज अकेले हम हैं पार्क में, आइए एंजॉय करो मज़े करो। चलो सही है झूले भी अकेले, आज पीर है ना बच्चों को स्कूल की छुट्टी नहीं होगी, मंडे है मंडे को जो है बस इतनी गाड़ी खड़ा चाहे। माशाल्लाह देखें आज जो है ना चांद भी नज़र आ गया है जमादी लवल का, तो माशाल्लाह बहुत जो है ना अल्लाह पाक करे आप सबके जो घरों में परेशानियां वो भी दूर हो। हाँ तो अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियां दूर करे और हम सबकी भी परेशानियां दूर करे, जो है ना परेशान है जिस भी किसी वजह से अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी शिफाए कामला अता फरमाए, और सबकी जो भी दिली ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक सब पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ईमान और दुआ पता है क्या कहते हैं, चाँद सितारा पता नहीं चाँद ना चाँद सितारे को या फिर सितारा चाँद को लेके भाग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माई यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब खैर खैरियत से होंगे हम भी खैर खैरियत से हैं। और भी आज हम लोग आए हैं बाहर क्योंकि कल जो है ना उमर ने जाना है वापस, तो फातिमा ने कहा है कि मैं इसको या फिर पिज्ज़ा खिलाती हूँ या फिर जो भी उमर की फरमाइश होगी उसको अच्छा खाना खिला के ना फिर जो है ना ये कल चला जाएगा। तो अम्मी आज आप चलें आप खाला को बोलें, तो मैंने सुबह ऐशा सुबह नहीं जुहर को कॉल की थी कि आप आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ जाऊंगी 4 बजे तक। 4 बजे के मैं मगरिब जो है ना घर पे मिली है क्योंकि मेरे हस्बैंड के कुछ गेस्ट आ गए थे और कुछ हमारे गेस्ट आए थे जिनके लिए खाना क्या बस मैक्रोनी बना सकी मैं जल्दी और कुछ नहीं बना सकी। उसके अलावा 7-8 पता नहीं 9-10 बंदे थे जिनकी चाय बनाई, और आपको पता है जब घर में गेस्ट हैं तो बंदा बिजी हो जाता है बिल्कुल ही टाइम नहीं होता। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब कोई बाहर जाता है ना बंदा तो मैं कहती हूँ सुबह के टाइम, फिर आपको पता है सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद 2:30 बजे छुट्टी होती है, 3 बजे तक बच्चे जो है ना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं खाना वाना खा के फ्री होते हैं, तो आज ये टाइम हो गया। तो देखते हैं आगे चल के, मैंने कहा थोड़ी देर बच्चे पार्क में इंजॉय कर लें, उसके बाद जो ना फातिमा और उमर भी पीछे आ रहे हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ जाना है और क्या करना है। अभी इनकी जो ना पिक्चर बन रही है यहाँ पर, ये पिक्चर नहीं बना, और टांग जो है ना ये देखें झटके से इसकी टांग देखें कैसे आ रही है, ये देखें उधर खड़ी हो जाओ, उधर अकेली खड़ी हो जाओ, ये यहाँ पे खड़ी हो उधर अकेली खड़ी हो जाओ, तुम्हारी मैं बनाती हूँ जाओ। अब टांग देखिए, रुखसार हट जाओ, तुम हट जाओ, महा आप हट जाओ, हट जाओ, चलो इधर देखो, अब टांग इधर देखो, गिरी ना जाना टांग सीधी करते करते एक्शन मार रही हो। यहाँ पर इशा की अज़ान होगी, अभी तक ये फातिमा मैडम नहीं आई, तो मैंने अभी कॉल किया, मैंने कहा हम लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि पार्क में ना कोई नहीं है हमारे अलावा, और यहाँ पे ना अभी मुझे डर भी लग रहा है कि हम अकेले, वैसे सिक्योरिटी गार्ड तो है वहाँ पर सामने गेट पर, तो आजकल आपने सुना ही होगा सिक्योरिटी गार्ड किस तरह के हैं, तो इस तरह गाड़ी भी साथ है और ऐशा भी साथ है, तो मुझे ना कुछ डर लग रहा है।
अल्लाह खैर करे, बस अभी चलते हैं क्योंकि 4 बजे से हम लोग आने वाले थे, बस मेहमान आ गए तो मैंने कहा आज नहीं चलते, तो फिर कहने लगी नहीं कल भाई चला जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगी, नहीं उसको अच्छा खाना खिला के ही भेजूँगी।